हेलो फूडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी दो प्याजा की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। एक बार बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये एक बार बना लीजिए तो आप सारी सब्जियों को भूल जाइएगा फिर। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है अच्छे तरीके से। फिर उसमें यहाँ पे तेल डाल देंगे और तेल को भी अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 इंच के करीबन भिंडी को कट कर लिया है और भिंडी को यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे भिंडी को अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे और यहाँ रेड होने तक भिंडी को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि फ्राई अच्छे से करने के बाद भिंडी का कलर भी नहीं जाएगा और भिंडी अच्छे तरीके से पक भी जाएगी। यहाँ पे मेरी भिंडी रेडी हो चुकी है तो मैं इसे निकाल लूँगी एक अलग प्लेट में। भिंडी को निकालने के बाद इसी तेल में मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी और प्याज को यहाँ पे मैंने बड़े बड़े पीस में ही कट कर लिया है। इसी तरीके से आप भी कट करके इसे फ्राई कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। प्याज का बस कच्चा फ्लेवर जो होता है उसको जाने तक ही इसे फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट लगभग, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी यहाँ पर प्याज भी रेडी हो चुकी है, अब इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसी कढ़ाई में मैं मसाला फ्राई कर लूँगी तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड किया है। देन तेल को अच्छे तरीके से फिर गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद मैंने यहाँ पे 3-4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है और इसे अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद 2 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे और सबको अच्छे तरीके से लाल होने देंगे। अब मैं इसमें 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। यहाँ पे प्याज को एकदम बारीक ही चॉप कीजिएगा, जितना बारीक आपसे हो सके, और फिर इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करना है एकदम ब्राउन होने तक। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट प्याज को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है, एकदम प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कटोरी टमाटो प्यूरी डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटो लिए थे और इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया मिक्सर में और इसे यहाँ पे डाल दूंगी। यहाँ पे भी टमाटर को अच्छे तरीके से पकाना बहुत ज़रूरी है तो इसे भी 3 से 4 मिनट तक आप अच्छे तरीके से टमाटर और प्याज को यहाँ पर पकाइए और इसमें फिर मैं स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे टमाटर और प्याज के साथ। नमक डालने से क्या होता है कि ये जो टमाटर और प्याज है वो जल्दी पक जाते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें मैं सारे मसाले डालूंगी। तो यहाँ पे मसाले में मैंने सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है, फिर 1/2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, आप मिर्ची अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गोलकी पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून भुनी हुई जीरा पाउडर। मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर का इस्तेमाल किया है और मसालों को अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे। मसाले को यहाँ पे भुनना बहुत ज़रूरी है। जितना आप मसाले को फ्राई करेंगे उतना इसका फ्लेवर जो होगा वो इन्हेंस होगा और बहुत अच्छा आएगा। तो इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब
मैं इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे भी मिलाकर आप अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर और मसालों के साथ मिला लें। यहाँ पे अगर आपका मसाले चिपक रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसे अच्छे तरीके से चला लें। तो यहाँ पे जिस कटोरी में टमाटर की प्यूरी थी मैंने उसी कटोरी में पानी मिलाकर इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। मैंने टमाटर को यहाँ पे रफली चॉप कर दिया है, छोटा ना ही ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा। और इसे क्या होता है, टमाटर से थोड़ा टैंगी फ्लेवर आता है। अगर आपको टमाटर ऐड नहीं करना तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून आमचूर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1/2 कटोरी पानी डालकर इसे 1 मिनट तक पकने देंगे ग्रेवी को, ताकि अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स हो जाए। और इसमें पानी बिल्कुल ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, बस 1/2 कटोरी ऐड करना है, 1/2 कटोरी या उससे भी कम। तो और उसके बाद 1 मिनट तक इसे गैस पे रहने देना है। 1 मिनट के बाद इसे अच्छे तरीके से देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है मसाला। तो अब इसमें मैं भिंडी और जो प्याज फ्राई किया था वो डाल दूँगी। प्याज और भिंडी को डालकर इसे अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिला लेंगे या फिर उसे अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे मसालों के साथ, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो भिंडी के अंदर अच्छे तरीके से चला जाए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। और 5 मिनट के बाद इसे ढक्कन हटा के 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे। इस गरम मसाला को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद फिर इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब देखिए 5 मिनट के बाद ये हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस इसे 1 मिनट तक ऐसी ही कढ़ाई में पकाना है और 1 मिनट के बाद गैस ऑफ कर देंगे। और ये हमारी भिंडी 2 प्याजा रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, आप इसे एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी यहाँ पे और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये सच में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप मुझे अदर सोशल हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।